सुबह सुबह उठता ही ना मैं अपनी सीरीज लगाकर बैठ गई थी, तो यहाँ से हमारा ब्लॉग हुआ जाता है स्टार्ट। तो हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर ब्लॉग। मेहनत वाले काम से बचने के लिए ना मैंने किया सस्ता सा जुगाड़ और खाए मैंगो। मेरी नज़र पड़ती है बाहर, और बाहर कोई इतना लेवल का हसीन तरीन मौसम हो रहा था ना, तो मैंने सोचा जो मैंने मैंगो खा के कैलोरीज गेन की है ना उसको ज़रा मैं बर्न कर लूँ। तो मैं यहाँ पर ना थोड़ी सी वॉक कर रही थी ताकि मैं हॉट लाइक हेल अपनी कैलोरीज बर्न कर लूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कैलोरीज बर्न कर लूँगी तो लोग मुझे मोटा मोटा कैसे कहेंगे, तो इसलिए मैं एनर्जी ले रही हूँ। उसके बाद वो क्या था, असर का टाइम, तो मैंने नमाज। सीन कुछ ऐसे हैं कि जोहर का टाइम हो गया था और मैंने ना तो तैयारी की थी और ना ही मैंने कुछ खाया था, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना बर्गर वाला नाश्ता करती हूँ, तो इसलिए मैं जो है ना सर्दा गर्मा वट एवर यू प्रोनाउंस वो खा रही थी। फिर बारी आती है आज के आउटफिट की कि आज मैं क्या पहन रही हूँ। तो आज मैं ये पहनना जो है ना नोश फरमा रही हूँ। तो ये इसका जो है ना शिफॉन का दुपट्टा था, और ये मतलब बहुत ही सिंपल सा और एलिगेंट सा ड्रेस था, तो इसलिए मैंने कहा कि वैसे भी गर्मी है तो यही पहन लेते हैं। ये इसकी नेकलाइन थी और ये इसके बाजू में दिखा रही थी, और ये था इसका ट्राउज़र, ब्लॉक प्रिंट का था, और ये जो साथ में थी ना ये इसकी बेल्ट थी जो कि इस पूरे शर्ट की जो है ना लुक को बिल्कुल चेंज कर देती है। तो ये था आज का मेरा आउटफिट। एक्सेसरीज में ना मैंने जस्ट ये रिंग कैरी की थी, ये बहुत ही मज़े की सटल सी रिंग थी जो आजकल ट्रेंड में आ रही है, तो मैं यहाँ अपना थोड़े से अपने शश के दिखा रही हूँ इस रिंग के। जहाँ पे मैंने आना था वहाँ पर मैं ऑलरेडी पहुँच चुकी थी, तो ये मैं आते ही ना मानो के साथ खेलने के लिए बैठ गई। यहाँ पर ना मैं आंटी के साथ बैठ के मज़े से गॉसिप कर रही थी, लेकिन तब तक जो है ना और मेरे शैतान भी टपक पड़े। इन्होंने मुझे अचानक आकर ना सरप्राइज़ कर दिया, और मैं इतनी ज़्यादा शॉक थी कि इन लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। बट खैर, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, साथ में मिलकर खाना खाया, खाना बनाया, काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे थे तो बहुत इन्जॉय। बाजी जल्दी खा, भूख लग रही है। अभी तो पानी बॉयल करने लगे यार, तुझे पता है नाश्ता नहीं किया। यहाँ पर जो है ना हम मिलके जो है ना सारी कुकिंग की चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे, अपने खाने का इंतज़ाम कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि हम साथ मिलके कुकिंग कर रहे थे। यहाँ पर ना हम थोड़ी सी डंडी मार रहे थे खाने से पहले, थोड़ा सा चख रहे थे कि कैसा बना कैसा नहीं बना। हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दही बल्ले हैं, और हमारे पास था मैक्रोनी थे, सालन बनाया था हमने, उसके बाद बिरयानी थी, मैंगो थे, बॉटल थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था। और ये जो मानो मैडम थी ना ये ऊपर आने के चांस में बैठी थी कि ये भी टेस्ट करें सब चीज़। खाना खाने के बाद ना हम सेल्फीज़ लेने के लिए जा रहे थे ताकि हमारा खाना भी हज़म हो जाए और हमें मज़े मज़े की सेल्फीज़ भी मिल जाएँ सनसेट में। नेचुरल लाइट, यू नो, नेचुरल लाइट, नेचुरल ब्यूटी, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। फिर हो गया था मगरिब की नमाज का टाइम, तो फिर हमने पढ़ी नमाज, और आइसक्रीम हमारी रह गई थी तो ऐसी जल्दी में हमने आइसक्रीम खाई है ना कि पूछो ही मत, हम रास्ते में आइसक्रीम ही खाते हुए जा रहे थे। तो ये लग रहा होगा आपको कि मेरी वीडियो का एंड है, बट ये मेरी वीडियो का एंड नहीं है, ये मैं घर जा रही थी। लेकिन घर जाते ही ना मैंने अपना फ्रिज खोल के देखा तो वहाँ पर मेरी मामा ने दो मज़ेदार पेस्ट्रीज़ मंगाई हुई थी। तो ये पेस्ट्रीज़ खाते खाते जो है ना मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।